रसूल अल्लाह फरमाते हैं, खुदावंदे आलम, 11वें दिन तुम्हारे लिए 4 हज और उमरा, कि हर हज अंबिया में से किसी नबी और हर उमरा सदी को शहीद में किसी एक के साथ अंजाम दिया हो। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने 12वें दिन को तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने के लिए रखा है और तुम्हारी नेकियों में इजाफा फरमाएगा कि हर नेकी के बदले 10 लाख नेकियां लिखेगा। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला 13वें दिन अहले मक्का व मदीना की इबादत का सवाब तेरे लिए लिखेगा। मक्का वालों की मस्जिद अल हराम और मदीना वालों की मस्जिद अल नबी में अंजाम दी हुई इबादतों का सवाब और जितनी मकदार में पत्थर और रेत मक्का व मदीना के दरमियान वाकया है, इतनी मकदार के लोगों के लिए शफात करने का हक तुमको अता फरमाएगा। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, 14वें दिन जैसे तुमने हजरत आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद और सुलेमान से मुलाकात की हो, और इस तरह है कि खुदावंदे आलम के लिए हर नबी के साथ 200 साल इबादत की हो। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला 15वें दिन दुनिया व आखरत की तमाम हाजतों को पूरा करेगा और जो अय्यूब को अनायत फरमाई है वो तुमको भी अनायत फरमाएगा। अर्श के हामिलीन तुम्हारे लिए इस्तग़फार करेंगे और क़यामत के दिन 40 नूर तुमको अता किया जाएगा, जिनमें से 10 तुम्हारे दाएं तरफ और 10 तुम्हारे बाएं तरफ और 10 नूर आगे की सिम और 10 नूर पीछे की सिम रोशनी दे रहे होंगे।